नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका। प्रियंका टेक रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गोभी का पराठा, तो चलिए शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए हमने ले लिया है 250 ग्राम गोभी, उसको हम कद्दूकस कर लेंगे। ने गोभी को कद्दूकस कर लिया। अब हम इसमें बनाएंगे पेस्ट। डालने के लिए हमें लहसुन ले लिया है, अदरक ले लिया है और दो चार मिर्ची ले लिया, हरी मिर्च, धनिया ले लिया है। सबका हम पेस्ट बना लेंगे। दरदरा ही पेस्ट है। हमने ले लिया है 500 ग्राम आटा, इसमें नमक डाल लिया है स्वादानुसार। 2 चम्मच तेल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल। अब घी भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम पेस्ट मिलाएंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। अब हम डालेंगे इसमें गोभी, इसको भी अच्छे से मिलाएंगे हम। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको गूथेंगे। हमारा आटा ज़्यादा नरम नहीं रहेगा क्योंकि नमक डाला है। गोभी हमारी पानी छोड़ेगी तो आटा हमारा गीला हो जाएगा ज़्यादा। आटा हमारा थोड़ा सा सख्ती रहेगा। हमारा आटा हो गया है, इसमें थोड़ा सा हम तेल लगा के इसको चिकना करेंगे। आटा हमारा गूंथ गया है, इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे रेस्ट करने के लिए। बाउल में तेल लगा लिया, इसको ढक के रखेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा 10 मिनट हो गया, आटा हमारा लगभग सेट हो गया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम फिर से इसको हम चिकना करेंगे। अब हम गैस जलाएंगे। तवा रख दिया है गरम होने के लिए। अब हम पराठे बनाएंगे। हमें रोटी की जैसे ही बनाना है, थोड़ा सा मोटा रहेगा उससे। हमने सूखा आटा लगाकर बनाया है, आप चाहे तो तेल लगाकर बना सकते हैं चक्के में। लोई हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, रोटी से हल्का से बड़ा रहेगा बस। हमारा पराठा एक साइड का हो गया है। तेल लगाएंगे दोनों साइड। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हमारा एक पराठा बन गया है, दूसरा बना के दिखाऊंगी। इसमें भी तेल लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा पराठा बनके तैयार है। आप दही के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ भी खा सकते हैं। एकदम से नरम नरम बने हैं हमारे पराठे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।